नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल अर्पित ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज मैं इस लेक्चर में आपको बताऊंगा PLC बेसिक। दोस्तों, PLC बेसिक एंड PLC एडिटिंग। दोस्तों, इसके पहले मैं जो आपको रिकॉल करा देता हूं, मैंने क्या क्या आपको पढ़ा चुका हूं। दोस्तों, इसके पहले लेक्चर में ऑटोमेशन के मैंने दोस्तों ऑटोमेशन का 7 लेक्चर मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। अब दोस्तों ऑटोमेशन की क्लास में PLC बेसिक। अब दोस्तों, उसके पहले 7 लेक्चर जो मैंने पढ़ाया वो था ऑटोमेशन का। दोस्तों, ऑटोमेशन का बेसिक मैंने आपको, ऑटोमेशन क्या होता है, सिंक टाइप क्या होता है, सोर्स टाइप कंट्रोल क्या होता है, सिंक टाइप कंट्रोल क्या होता है, पावर सर्किट क्या होता है, आपका कंट्रोल सर्किट क्या होता है। दोस्तों, फिर उसके बाद मैंने बताया आपको इंचिंग टाइप, आपका कंट्रोल सर्किट कितने टाइप के होते हैं, इंचिंग टाइप और जो टोगल क्या होता है आपका। उसके बाद आपको बताया कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर की यूज़ क्या होता है। दोस्तों, उसके बाद आपको बताया दोस्तों PLC में होल्डिंग कैसे करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर को होल्डिंग कैसे करते हैं, बाकी लैडर। उसके बाद आपको बताया दोस्तों कि जो है लैडर डायग्राम, RLC सर्किट क्या होता है, RLC सर्किट पे लैडर डायग्राम कैसे बनाते हैं, किस तरह से कंडीशन लगा के पहला कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो, दूसरा ऑफ हो, या दूसरा ऑफ हो पहला ऑन हो, या पहला तभी ऑफ हो जब दूसरा ऑन हो, सारे कंडीशन करके मैंने आपको सॉल्व कराया। दोस्तों, आज मैं PLC का बेसिक क्लास लूँगा। PLC दोस्तों, PLC क्या होता है दोस्तों, PLC का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ये होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। क्या होता है दोस्तों, PRO प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। दोस्तों, आप इसका फुल फॉर्म पहले याद कर लीजिए। PLC बेसिक में जब आप इंटरव्यू में जाएंगे दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन इंटरव्यूअर का ही होगा, PLC क्या है, व्हाट इज PLC, तो आप क्या बोलोगे। तो PLC दोस्तों, PLC में जिसका फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, मेन दोस्तों कोई लॉजिक हो, कोई मशीन हो, कोई सिस्टम हो, कोई डिवाइस हो, उसको इस तरह से कंट्रोल करना है, उसको प्रोग्राम के थ्रू कंट्रोल करना है। दोस्तों, एक लॉजिक के थ्रू उसको, जो लॉजिक है आपको, कोई सीक्वेंस हो, या आपको कोई मशीन ऑपरेट करना हो, या आपको प्रोग्राम, आपको कोई स्टेप बाय स्टेप, आपको मान लो किसी इंडस्ट्री पर आप काम करते दोस्तों, आपका जो बेल्ट चलता रहता कन्वेयर दोस्तों, सीक्वेंस चलता, टाइम टू टाइम चलता रहे, तो इसके लिए क्या है दोस्तों, उसमें एक प्रोग्राम डाला जाता है, इसके सर्वो मोटर होता है, जिस अभी आगे चल के दोस्तों बताऊंगा सर्वो मोटर क्या होता है, स्टीपर मोटर क्या होता है, इसके थ्रू प्रोग्राम थ्रू एक कन्वेयर चलता रहता है। दोस्तों, कभी आपको बैक करना हुआ तो सर्वो मोटर क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज दोनों चलता है दोस्तों। तो इस तरह से क्या है, किसी मशीन को कंट्रोल कर रहा है प्रोग्राम के थ्रू। तो दोस्तों, चलता हूँ बताता हूँ आपको और। तो दोस्तों, PLC का फुल फॉर्म तो आप जान गए, व्हाट इज PLC। PLC इज ए प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, एंड इसका डिफिनेशन भी आपको बता देता हूँ दोस्तों। PLC का क्या होगा दोस्तों, PLC इज ए माइक्रो प्रोसेसर वेस्ट सॉलिड स्टेट डिवाइस व्हिच रिप्लेस कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर, कंट्रोल रिले, टाइमर्स कॉन्ट्रैक्टर एंड रिले लॉजिक कंट्रोल फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों, लिख के आपको बताता हूँ क्या है दोस्तों PLC आपका। PLC इज ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड
सॉलिड सॉलिड स्टेट स्टेट डिवाइस यूज्ड फॉर रिप्लेसिंग कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल रिले कंट्रोल रिले टाइमर्स और जो है काउंटर काउंटर ऑफ रिले लॉजिक कंट्रोल फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर मेन दोस्तों क्या हुआ पीएलसी का फुल फॉर्म क्या दोस्तों प्रोग्रामेबल प्रोग्राम पीएलसी का फुल फॉर्म जो होता है दोस्तों प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ये तो दोस्तों आपको आना ही चाहिए। बाकी दोस्तों क्या है जो डिफिनेशन मैं बताया हूँ दोस्तों इसका क्या है दोस्तों पीएलसी इज ए माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों आपने पढ़ा होगा अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स की हो दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर मेनली जो होते हैं 8085 8086 इस तरह से आपने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ा होगा दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर 8085 एंड 8086 बाकी और टाइप माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। इसमें पिन होते हैं दोस्तों 20 पिन 40 पिन के माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। तो क्या है दोस्तों पीएलसी इज ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सॉलिड स्टेट डिवाइस। पीएलसी जो है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड माइक्रो प्रोसेसर जो होता है दोस्तों उसी को मॉडिफाई करके मैं जो पीएलसी बोलता हूँ दोस्तों माओ मेनली माइक्रो प्रोसेसर होता है उसी को मॉडिफाइड करके यूज के अकॉर्डिंग इनपुट आउटपुट डाल के उसको बना दिया गया पीएलसी। तो क्या है दोस्तों पीएलसी इज ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सॉलिड स्टेट डिवाइस जो यूज फॉर रिप्लेसिंग। मीन दोस्तों पीएलसी का यूज क्या होता है उसको रिप्लेस करने के लिए क्या क्या रिप्लेस करता है दोस्तों पीएलसी आपका कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर आपको बता दें दोस्तों कॉइल होती है इसमें मैग्नेट बनता है कॉइल ऑन ऑफ करता है स्टार्टर में यूज होता है दोस्तों। तो कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर आपका कंट्रोल रिले पहला क्या आता है रिप्लेस कर दोस्तों कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल रिले टाइमर्स काउंटर ऑफ रिले लॉजिक जो क्या करता है दोस्तों हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों। मीन्स क्या जब दोस्तों जब मैं कोई आरएलसी सर्किट बनाता था तो क्या करता था उसमें अगर मुझे मान लो कोई आपको मशीन ऑपरेट करना कोई बड़ी मशीन है दोस्तों तो उसमें क्या होता था मान लो 4 टाइमर लगाना हुआ 6 काउंटर लगानी हो काउंटर लगाना हुआ और जो आपका रिले लगाना हुआ तो क्या दोस्तों बड़ी मशीनों में संख्या जो है 4 में लिख रहा हूँ ये होता है 44 भी हो सकता है 500 भी हो सकता है इस अगर और उससे बड़ी मशीन है तो इसकी संख्या कुछ भी हो सकता है 10 हो सकता है 12 हो सकता है 15 हो सकता है। तो क्या दोस्तों इससे क्या जब मैं पैनल बनाता था इसका आरएलसी सर्किट में इतने ज़्यादा वायरिंग हो जाता पैनल इतना लॉन्ग हो जाता दोस्तों रिले मान लो आपको 15 लग गया काउंटर आपको 10-15 लगाना पड़ गया टाइमर लगाना पड़ गया आपको आपको कॉन्ट्रैक्टर 15-20 लगाना पड़ा। तो इससे क्या होता था जो आपका सर्किट डायग्राम दोस्तों बनता जो पैनल बनता था आरएलसी में तो इतना ज़्यादा आपको टाइमर काउंटर रिले आपको कॉन्ट्रैक्टर लगाना पड़ता था तो आपको पैनल बड़ा हो जाता इसके और जो आपका सारे टाइमर काउंटर लगेंगे दोस्तों तो वायर से अटैच होते थे इतने ज़्यादा वायर हो जाते तो उसमें जब कंपनी में फॉल्ट आता था दोस्तों
तो उसको फॉल्ट को पाना मुश्किल हो जाता कंपनी में। जब मेंटेनेंस वाला आता था दोस्तों, जो फॉल्ट आती थी कंपनी में मशीनों में, तो फॉल्ट पाना मुश्किल, चूंकि इतने ज़्यादा वायर से अटैच होते थे सारे डिवाइसेस, इतने ज़्यादा डिवाइसेस होते थे, तो वो फॉल्ट मिल नहीं पाता था। तो क्या है दोस्तों, मेरा पीएलसी का बेसिक यूज क्या है दोस्तों, बताता हूँ दोस्तों आपको। तो दोस्तों क्या करता हूँ, पीएलसी क्या है, ये पीएलसी आपको टाइमर, टाइमर रिले, काउंटर और जो है आपको कॉन्ट्रैक्टर। तो दोस्तों ये सबको क्या है, जो फिजिकल डिवाइस है दोस्तों, हार्डली डिवाइस है, या हाथ में लेके इसको अलग से सर्किट में लगाना होता था आरएलसी में, तो सर्किट बड़ा होने को इन सबको क्या है पीएलसी जो है, इन सब का काम प्रोग्राम कर, अब जब सिस्टम पे प्रोग्राम बनाएंगे दोस्तों, और प्रोग्राम के जगह पे आप काउंटर का, अगर आपका डेल्टा पीएलसी हो तो टीएमआर, तो डेल्टा पीएलसी में दोस्तों टीएमआर टाइमर लगा देते हैं, काउंटर लगा देते हैं अलग से, उसमें क्या प्रोग्राम में ही आप डाल देते हैं, सॉफ्टवेयर में ही डाल देते हैं टाइमर रिले काउंटर और जो कॉन्ट्रैक्ट है, इन सब का सिंबल जो होता है दोस्तों, आप जो है प्रोग्राम, जब आप लैडर डायग्राम बनाएंगे दोस्तों, तो दोस्तों जब आप लैडर डायग्राम बनाएंगे वहाँ पे पीएलसी में, प्रोग्राम जब बनाएंगे लैडर डायग्राम पे, तो मान लो आपको दोस्तों एनओ लेना हुआ, यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्टर लेना, तो आप फिजिकली ले लेंगे दोस्तों यहाँ पे सिस्टम पे, अपने प्रोग्राम जब बनाएंगे लैडर डायग्राम पे कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे ले लेंगे। अगर आपको टाइमर लेने हुआ दोस्तों, मान लो आपने ले लिया आउटपुट के वन का, तो यहाँ पे मान लो अगर आपको टाइमर लगा दोस्तों, टाइमर आपको फिजिकली ना लगा के टी वन, मान लो टी नॉट ले लो या टी जीरो ले लो, टाइमर लग गया दोस्तों, तो टाइमर से मान लो आपको स्टार्ट डेल्टा चलाने हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे क्या करूँगा आप लगा दूंगा मैं, तो यहाँ पे बना दूंगा दोस्तों स्टार्ट डेल्टा का, अगर मान लो आपको प्रोग्राम बनाना हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे आउटपुट लूंगा भाई, तो मान लूंगा यहाँ पे के वन ले लूंगा, तो यहाँ पे दोस्तों रहेगा टी नॉट वाई टू रहेगा आउटपुट, फिर यहाँ दोस्तों क्या करूँगा, टी नॉट तो रहेगा दोस्तों, एन सी रहेगा दोस्तों, आपको आगे बताऊंगा दोस्तों स्टार डेल्टा प्रोग्राम क्या होता है। तो यहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर रहेगा मान लो यहाँ पे के टू, ये आपका स्टार डेल्टा का प्रोग्राम होगा दोस्तों, मान लो एक्स नॉट हो गए, यहाँ पे दोस्तों होल्डिंग भी करना पड़ेगा, के वन का होल्डिंग कर दो यहाँ पे। तो दोस्तों ये जो प्रोग्राम बना रहा हूं मैं, तो ये आपका टाइमर है दोस्तों, टी नॉट जब लगाऊंगा दोस्तों तो टाइमर है, टाइमर में वैल्यू दिया जाता है दोस्तों यहाँ पे। तो कैसे दिया जाता है वैल्यू दोस्तों, लिखा जाता है इसमें टी एम आर टी नॉट, के की वैल्यू मान लो आपको टाइमर देना है एक 100 सेकंड, तो 100 सेकंड दे दोगे यहाँ से, तो यहाँ से क्या दोस्तों आपका स्टार डेल्टा है दोस्तों, क्या है स्टार और डेल्टा स्टार्टर, जो प्रोग्राम है दोस्तों स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रोग्राम है, इसमें क्या है टाइमर लग गया। अभी आपको दोस्तों इसका आरएलसी सर्किट बनाना होता तो आपको टाइमर, आपको टाइमर का जो है आपको फिजिकली लाके सर्किट में लगाना पड़ता, वायर के थ्रू अटैच करना पड़ता, तो जाके आपका डिवाइस वर्क करता, तब जाके आपको मशीन वर्क करता। बट इसमें क्या दोस्तों पीएलसी में क्या दोस्तों, आप लैडर डायग्राम बना लेंगे, उसके बाद लैडर डायग्राम में ही आपको काउंटर, अगर इसमें काउंटर लगाना हो तो काउंटर के लिए सी लगा लिखता हूँ दोस्तों, तो क्या इसमें अलग से आपको कोई फिजिकल डिवाइस नहीं लगानी पड़ती, आपको काउंटर टाइमर ये सब डिवाइस रिप्लेस कर देता दोस्तों पीएलसी से दोस्तों, इतना फायदा होता है। बट आपका जो बटन होता दोस्तों, बट पीएलसी जो दोस्तों, पीएलसी इज नॉट रिप्लेस, उस बटन लिमिट स्विच इम
इमरजेंसी बटन, तो दोस्तों क्या है पीएलसी तो आपको फर्स्ट क्या रिप्लेस करता है दोस्तों, टाइमर, दूसरा काउंटर, तीसरा है रिले, चौथा दोस्तों क्या है कॉन्ट्रैक्टर, पावर कॉन्ट्रैक्टर। दोस्तों ये सब तो आपका फिजिकली जो डिवाइस है जो सर्किट बनाने में आपको यूज होते थे ये तो रिप्लेस कर देगा, बट दोस्तों आपको पीएलसी जो है पुश बटन जो आप लेंगे, स्विच लिमिट स्विच अगर आप लेंगे, इमरजेंसी स्टॉप के लिए बटन लेंगे, ये सब बटन आपको पीएलसी भी रिप्लेस नहीं करते दोस्तों। इसको रिप्लेस करने के लिए दोस्तों क्या होता है यूज होता है एचएमआई। पीएलसी से क्या होता है दोस्तों, पीएलसी तो आपको काउंटर, टाइमर, रिले, पावर कॉन्ट्रैक्टर ये सब रिप्लेस करेगा, बट पीएलसी जो है दोस्तों नोट कर लेना, पुश बटन, लिमिट स्विच, इमरजेंसी बटन, स्टॉप ऑन ऑफ, जितने इनपुट इंटर जो सारे बटन यूज होते हैं दोस्तों वो रिप्लेस नहीं करता। इसको रिप्लेस करने के लिए जो होता है वो एचएमआई आपको पढ़ना पड़ेगा, एचएमआई भी दोस्तों आपको आगे पढ़ाऊंगा, एचएमआई इसको रिप्लेस करता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ आए पीएलसी क्या होता है। पीएलसी इज ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सॉलिड स्टेट डिवाइस यूज्ड फॉर रिप्लेसिंग कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर रिले, टाइमर्स, काउंटर एंड रिले लॉजिक कंट्रोलर फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर। यहाँ पे दोस्तों बताया हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर कन्वर्ट करता है। और इसका यूज अगर कोई पूछे दोस्तों पीएलसी का यूज क्या है, यूज ऑफ पीएलसी, तो दोस्तों पीएलसी का पहला यूज क्या होगा मेरा, ए वायर्स को कम कर देता है, और दूसरा यूज क्या है दोस्तों इसका, इसका पैनल जो है दोस्तों पीएलसी का पैनल जो है शॉर्ट होता है, शॉर्ट पैनल लिख देता हूँ दोस्तों, शॉर्ट पैनल। और दोस्तों क्या होता है तीसरा यूज क्या होता है, शॉर्ट किस लिए होता है दोस्तों, इस पीएलसी जो है रिले, टाइमर, काउंटर और जो कॉन्ट्रैक्टर को सॉफ्टवेयर में यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर से ही यूज होता है। लेकिन दोस्तों इन सबको मैं फिजिकली नहीं लगाता हूँ, सॉफ्टवेयर के थ्रू ही, सॉफ्टवेयर से इन सबको लेके प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम रन होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ आ गया। और पीएलसी में क्या होता है दोस्तों, एक बार आप प्रोग्राम बना दिए जिस पे, उसके बाद आप पीएलसी में उसको जब कम्युनिकेशन केबल से पीएलसी में भेज देते हैं दोस्तों, तो क्या होता है दोस्तों आपका पीएलसी ऑपरेट, आपको बटन ऑन ऑफ करते रहेगा, आप पीएलसी ऑपरेट करते रहेगा, उसमें कोई दिक्कतें नहीं आती दोस्तों। बाकी चलता हूँ दोस्तों आपको बताता हूँ। तो दोस्तों पीएलसी में ये भी होता है दोस्तों, अगर पीएलसी में कोई डेटा सेंड करता हूँ दोस्तों, तो पीएलसी में मेमोरी होता है दोस्तों, अगर कोई डेटा मैं पीएलसी में भेजता हूँ दोस्तों, वो पीएलसी के मेमोरी में जाता है दोस्तों। तो दोस्तों पीएलसी में क्या होता है, मेमोरी भी होता है, पीएलसी में क्या होता है सीपीयू भी होता है। अगर कोई पीएलसी में जो डेटा भेजता हूँ दोस्तों, उसको रीड करने के लिए सीपीयू लगा होता है दोस्तों, जैसे आप कंप्यूटर में देखते हो सीपीयू लगा होता है दोस्तों। और इसमें यहाँ से क्या दोस्तों इनपुट होता है, यहाँ पे यहाँ से इनपुट देता हूँ दोस्तों, यहाँ पे लगा होता आउटपुट। तो दोस्तों मैं पीएलसी में कोई डेटा अगर सेंड करता हूँ दोस्तों, तो पीएलसी की मेमोरी में जाके स्टोर होता है, और पीएलसी में जो डेटा स्टोर होता है दोस्तों वो किस फॉर्मेट में, रजिस्टर, मेमोरी रजिस्टर में, पीएलसी का जो मेमोरी बना होता है दोस्तों वो मेमोरी रजिस्टर से बना होता है, मेमोरी रजिस्टर।
पीएलसी का जो मेमोरी होता है दोस्तों, मेमोरी रजिस्टर से मिलकर बना होता है, और मेमोरी रजिस्टर जो बनता है दोस्तों आपको पता होगा मेमोरी बिट से बनता है, मेमोरी। और मेमोरी बिट क्या होता है दोस्तों, आपका ये बाइनरी नंबर होता है। ए इलेक्ट्रॉनिक्स स्मॉलेस्ट यूनिट होता है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बाइनरी, जिसको बोलते हैं बाइनरी, बाइनरी मीन दोस्तों 0 1, इसको बोल सकते हैं ऑन और ऑफ, तो ये होता है दोस्तों। तो अगर मैं यहाँ पे कोई इनपुट देता हूँ दोस्तों, मान लो यहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्टर लगा दिया, पुश बटन ऑन लगा दिया, तो यहाँ से तो ये जाएगा डेटा मेमोरी में जाएगा दोस्तों, मेमोरी जाएगा, आउटपुट जब आएगा तो यहाँ पे अगर मान लो आपका बल्ब लगा हो दोस्तों तो आपका आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। तो दोस्तों क्या होता है, अगर मैं पीएलसी में कोई डेटा सेंड करता हूँ तो जाता है पीएलसी के मेमोरी में, और मेमोरी में अगर उसको डेटा को रीड करने के लिए लगा होता है सीपीयू, और जब कोई इनपुट देते हैं मेमोरी में जाता है, मेमोरी से ही आउटपुट मिलता है आपको दोस्तों। और पीएलसी का मेमोरी कैसे बना होता है दोस्तों, पीएलसी मेमोरी जो बना होता है, यहाँ पे अच्छे लिख देता हूँ दोस्तों, पीएलसी मेमोरी जो बना होता है दोस्तों, वो बना होता है मेमोरी रजिस्टर, और मेमोरी रजिस्टर जो बना होता है दोस्तों, वो बना होता है मेमोरी बिट से, और मेमोरी बिट जो होता है बाइनरी नंबर होता है दोस्तों। तो दोस्तों पीएलसी में इफ इफ वी सेंड एनी डेटा इन पीएलसी means this data send in PLC memory, ये तो आपको समझ आएगा दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों बता दो किस तरह से डेटा स्टोर होता है पीएलसी में, पीएलसी मेमोरी मेड बाय मेमोरी रजिस्टर, पीएलसी मेमोरी मेड बाय मेमोरी रजिस्टर एंड मेमोरी मेमोरी रजिस्टर मेड बाय मेमोरी बिट, एंड मेमोरी बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। Having binary status, तो दोस्तों क्या है, पीएलसी मेमोरी मेड बाय मेमोरी रजिस्टर एंड मेमोरी रजिस्टर मेड बाय मेमोरी बिट्स एंड मेमोरी बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हैविंग बाइनरी स्टेटस लाइक
01 ऑन ऑफ लो हाई लो हाई। आशा करते हैं दोस्तों आपको पीएलसी क्या होता है, पीएलसी जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, और पीएलसी का दोस्तों एक बार रिकॉल कर दें तो पीएलसी क्या होता है, पीएलसी जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल, इसका डेफिनेशन क्या होता है, पीएलसी इज ए माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सॉलिड स्टेट डिवाइस यूज फॉर रिप्लेसिंग कंट्रोल कॉन्ट्रैक्टर कंट्रोल रिले टाइमर काउंटर एंड रिले लॉजिक कंट्रोल हैविंग हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर। मेन दोस्तों पीएलसी को इसके रिप्लेस में किया जाता है, और पीएलसी का यूज, पीएलसी तो माइक्रोप्रोसेसर बेस्ड सॉलिड, इसका यूज क्या किया जाता है दोस्तों इन सबको रिप्लेस करने के लिए। डिफिनेशन भी दोस्तों आपका ही, अगर कोई आपको आपसे डिफिनेशन पूछता है आप ये डिफिनेशन बता सकते हैं, और कोई यूज पूछता है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं इन सबको, इनको रिले काउंटर सबको रिप्लेस करने के लिए इसका यूज होता है। आपका एक ही डिफिनेशन दोस्तों आप दोनों बता सकते हैं। बाकी उसके बाद दोस्तों आपको बताया पीएलसी मेमोरी, पीएलसी में जो डेटा भेजा जाता है कहाँ पर जाता है, वो डेटा पीएलसी के मेमोरी में जाता है, और मेमोरी किस चीज़ का बना होता है, मेमोरी रजिस्टर का बना होता है, और मेमोरी रजिस्टर किस चीज़ बना होता है, मेमोरी बिट से बना होता है दोस्तों, और मेमोरी बिट जो होता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो बाइनरी डिजिट में होता है 0 और 1। दोस्तों इस क्लास में इतना ही, बाकी दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू दोस्तों।